दीपिका आ जाओ बेटा। स्टडी प्लान एंड बुक। ओके, ज्योति पांडे ये हिंदी है। ज्योति पांडे ईशा, अच्छा यही है। लो स्टडी प्लान तो इंग्लिश वाला, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। रक्षंदा हिंदी, अच्छा यहाँ पे है ना हिंदी वाली बुक्स। दो बेटा एक और दो हिंदी वाला। रेणुका, तुम ही रेणुका भी हो। सुप्रिया इंग्लिश वाला मटेरियल दो बेटा। पूजा, अच्छा इंग्लिश है, ये लो बेटा। अनीता हिंदी, ईशु हिंदी, बहुत आलसी हो। शिवानी हिंदी वाला। तुलसी पीहू, दो दे दो एक और दो। ये लो बेटा स्टडी प्लान बुक्स। नीता रानी इंग्लिश। केशव, नितेश मंटू, दीपक कुमार, अच्छा तुम दीपक हो। राज ले लिए तुमने ना, शाबाश। सोनी ले लो। मीनू हिंदी की और बुक लेके आओ। अमित, अमित हिंदी की बुक और लेके आओ लगेगी। याशिका, अच्छा रुक जाओ अभी हिंदी की बुकलेट्स नहीं है हमारे पास। मबुसुबानी इंग्लिश, चेंज कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। ऋतुकांत इंग्लिश है, ओके। यहाँ हिंदी कहाँ से आ गई? हिंदी किससे चाहिए थी? स्टडी प्लान ना। स्टडी प्लान हेलो बेटा। आशुतोष सिंह बच्चू, इंग्लिश है ना। सुधांशु
ओके ये लो स्टडी प्लान ये लो। प्रीति सिंह ये लो बेटा आदिति हंसा मोहम्मद जावेद अख्तर मोहसिन इकबाल बैक बेंचर हो तुम हिंदी का बुक अच्छा हिंदी है हिंदी दीजिएगा स्टडी मटेरियल भी हिंदी दीजिएगा वहाँ शहर उसको भी हिंदी वाला दीजिए ये लो बेटा स्टडी मटेरियल मिल गया सबको तुम्हें नहीं मिला है इंग्लिश हिंदी इंग्लिश ये लो बेटा डन स्टडी मटेरियल सभी को मिल गया है किसी के स्टडी मटेरियल में कोई दिक्कत क्या हुआ वो क्या है स्टडी प्लान हिंदी वाला इंग्लिश वाला स्टडी प्लान दीजिए प्लान मिल गया सबको स्टडी मटेरियल मिल गया प्लान मुझे पकड़ाइए एक इंग्लिश का है वो हिंदी वाला दीजिए वहाँ पे एक बुकलेट देख लीजिए भाई अंदर कंटेंट कवर पे मत जाइए दिखावे पे मत जाओ है ना अंदर कंटेंट भी आप ही के मीडियम का है या नहीं है ये चेक कर लो एक बार अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए चिंता मत कीजिए बेटा वो बुक वैसे भी ना तुम इतना पढ़ोगे कि वो फटेगी ज़रूर ठीक है क्योंकि मजबूरी है तुम लोगों की कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ठीक है क्योंकि हमारे मेंटोर्स तुम्हारे सर पे खड़े रहेंगे तुमसे ये बुक पढ़वाने के लिए स्टडी प्लान मिल गया है जैसे सिलेबस रट लिया है जैसे PYQs देख लिए हैं ठीक है उसी प्रकार आप इस स्टडी प्लान को भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए ठीक है कारण कि इस स्टडी प्लान का शब्दशः पालन करना पड़ेगा वर्ड बाय वर्ड गेटिंग दिस पॉइंट ठीक है और अभी जब मैम पढ़ा रही थी तो मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया ठीक है कि अभी आप OTP पे 10 क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हैं ठीक है आपकी क्लास अलग होगी स्टडी प्लान अलग चलेगा दोनों चीज़ें होने वाली है ना आपकी ठीक है तो टेस्ट क्यों 10 ही क्वेश्चंस का है ना टेस्ट भी तो 20 क्वेश्चंस का होना चाहिए ना 10 फ्रॉम द क्लास 10 फ्रॉम योर स्टडी प्लान है ना ताकि यहाँ पे जो रिवीजन आप कर रहे हो वो भी चेक हो जाए हमसे कि कर रहे हो प्रॉपरली या नहीं कर रहे हो ठीक है और जो यहाँ पे होगा वो तो करना ही है उसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है ना बट यहाँ पे कितना पढ़ रहे हो ये भी तो हमें पता चलना चाहिए ना कि बस मैम की क्लास अटेंड करके गायब इसका भी है और इसका भी है मैं दोनों का करवाऊंगा चिंता मत करो ठीक है डन मैम तो यही पढ़ाएगी ना
ठीक है, तो मैम जो पढ़ाएगी, मैम ने कहा यहाँ टेस्ट होगा तो वो भी मैं इंश्योर करवाऊंगा, ठीक है। तो हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो डबल टेस्ट देने में दिक्कत क्या है फिर? क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे बेटा, चिंता मत करो, ठीक है। अगर तुम ये सोचो कि यही यहाँ पे भी पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो सर यही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ लेना, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कुल मिला के मकसद ये है कि 75 दिन का जो तुम्हारा स्टडी प्लान है और लेक्चर प्लान है, उस 75 डेज में आप प्रिलिम्स, मेंस, ठीक है, दोनों से रिलेटेड हिस्ट्री के जितनी चीज़ें हो सकती है, जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूपीएससी पूछ सकता है, वो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके यहीं इस क्लास में ही कवर हो जाने चाहिए। गेटिंग दिस पॉइंट? और जब इसी क्लास में कवर हो गए, इट मीन्स क्लास के बाद आप तैयार हो यूपीएससी के लिए। गेटिंग दिस पॉइंट? डन। बोलो बेटा। हाँ, इसीलिए ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि कंटेंट वहाँ ज़्यादा है, ठीक है। मेंस में आपको ओल्ड एनसीईआरटी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आंसर राइटिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, इसलिए ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। तमिलनाडु एनसीईआरटी इसलिए क्योंकि साउथ इंडिया की हिस्ट्री जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और ये बात याद रखना, संगम लिटरेचर हो या कल्चर ऑफ साउथ हो, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन पूछेगा ही। संगम लिटरेचर, संगम मेंस तो यूपीएससी का फेवरेट है, ठीक है। आप पीवाईक्यूस कर चुके हो तो आपको पता होगा कि आर्ट एंड कल्चर में संगम एरा से क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो इसीलिए उसे फोकस किया गया, और आपका स्टडी मटेरियल इसलिए एट द एंड रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्टडी मटेरियल आपका बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें हर एस्पेक्ट माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपकी कवर की गई है। तो इन केस एनसीईआरटी में कुछ छूटता है तो आपका जो बुक इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आपको दिया है हिस्ट्री का, उसमें कवर हो जाएगा। मींस हिस्ट्री कुछ नहीं छूटना है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और जब कुछ नहीं छूटना है हमारे एंड से, तो एग्ज़ाम में तुम्हारे एंड से कुछ नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे एंड से कुछ छूटा एग्ज़ाम में, तो फिर तुम जानते हो क्या होगा, रिजल्ट तो बाद में होगा बेटा, पहले मैं रहूँगा तुम्हारे सामने, ठीक है, फिर वो जांग सर रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बेटा इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत तुम लोगों से करवाई जा रही है, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, वहाँ सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए तो इतना सारा वर्कलोड आप पे क्रिएट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, ताकि प्रेशर में ही आप काम करोगे, ठीक है, राइट। क्योंकि कल की क्लास में हमने देखा था कि मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, राइट। और जब मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स, ठीक है, अगर स्टडी प्लान आपको आपके भरोसे पे दे दिया जाए तो जब मन करेगा तब पढ़ोगे, जब मन करेगा नहीं पढ़ोगे, ठीक है। इसीलिए इसके लिए भी आप लोगों के पीछे आपके मेंटर्स पड़े रहेंगे कि हुआ है नहीं हुआ है, और आपकी डेली रिपोर्ट में रिमार्क ऐड ऑन होते जाएगा, ठीक है, और उस हिसाब से फिर आपका कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होते जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस स्टडी प्लान को, इस क्लासेस को जो हिस्ट्री की स्टार्ट होने वाली है, उसे 200% डेडिकेशन के साथ करना है आप लोग, ठीक है। गारंटी कोशिश ये है, ठीक है, कि आपका पूरा का पूरा पेपर, ठीक है, आपकी क्लासेस और जो आपका स्टडी प्लान है वहाँ से कवर हो जाए, ठीक है। और आई एम प्रेटी मच श्योर एज वेल, 100% श्योर एज वेल कि हो जाएगा यहीं से, इस क्लासेस के और इस स्टडी प्लान के बाद कहीं बाहर से जाएगा नहीं, ये श्योरिटी है, ठीक है। चलिए बात करें, कल आपको कुछ प्रोजेक्ट दिया हुआ था, राइट, जहां आपको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी थी और अब आपको प्रेजेंट करना है, राइट।
सो कौन आएगा सबसे पहले और किस टॉपिक पे आएगा? चलो आ जाओ बेटा। हाँ आप ही, टॉपिक बताना पहले, नाम बताना अपना, उसके बाद शुरू हो जाओ। बाकी लोग जिन जिनका टॉपिक है वो क्या टॉपिक है बेटा? फ्लड मैनेजमेंट। फ्लड मैनेजमेंट ठीक है। जिन जिनका टॉपिक है फ्लड मैनेजमेंट, जो पॉइंट्स आपने प्रिपेयर नहीं किए हैं और इन्होंने प्रिपेयर किए हैं वो आप एड ऑन करते जाइएगा अपने नोट्स। ठीक है। मेरा नाम राज यादव है, मैं कन्नौज से आया हूँ। ठीक है सर। ज़्यादा डिटेल यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले बाढ़ आने से हम रोक सकते हैं, बताइए आप लोग। आप अपना प्रेजेंटेशन दो बेटा। सर एक मिनट। बाढ़ आने से हम रोक नहीं सकते हैं, बल्कि उसको एक आपदा बनने से रोका जा सकता है। ये क्योंकि नदियों में सबसे ज़्यादा बाढ़ इसी के कारण आती है, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही, तो हम लोग उसका जो वन जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कटाई हो रही है, तो कटाई होने के कारण उसके जो किनारों की जो क्षरण है भूमि वो ज़्यादा हो रही है, तो इससे जो है बीच में आकर नदियाँ जाम हो जा रही। वह देखा होगा द्वीप बन जाते हैं, टापू जिसे बोलते हैं, तो वो बन जाते हैं, तो इससे जब बीच में भर जाएंगी नदियाँ तो पानी कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है बाहर जाएगा, तो जब बाहर जाएगा तो फिर क्या होगा, बाढ़ आएगी। तो इससे उसका ये होना चाहिए कि उसको हर साल उसकी जो है तलछटी उसकी सफाई होनी चाहिए हर साल। पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए, उसके आसपास पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा ये है कि अब पेड़ हर जगह तो लगाए नहीं जा सकते, कहीं पर ढाल भी हो सकती है, तो वहाँ तो पेड़ लगाए नहीं जा सकते। उसके लिए एक ग्रास आती है जिसे हम बोलते हैं बेटवर ग्रास, तो वो क्या होती है, वो काफ़ी ज़्यादा पानी को सोखती है और भूमि को कटान होने से रोकती है। तो इससे एक तो हमारे उससे जानवर भी घास खा सकते हैं, ठीक है, दूसरा कि उससे भूमि का कटाव भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे तो वो ढाल होने के कारण गिर जाएंगे उसी में, जब लगाएंगे वो उसी में गिर जाएंगे और बह जाएंगे, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा अपना। तो इसलिए वहाँ पर जो घास आती है उसको यूज़ किया जाए। और दूसरी बात, शहरों में अक्सर कर बाढ़ आती है, इसका कारण शहर ही है, क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, गाँव में तो पानी इतना ज़्यादा नहीं फैलता है। मेरे हिसाब से बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हैं, उसका पूरा पानी आ रहा है, नाला है उसी में जा रहा है, वहीं से नदियों में जा रहा है, तो नदियां जो है वो पहले से भर जाती, उसमें बाढ़ का पानी वर्षा का पानी आने की जगह ही नहीं रहती, वो जाम हो जाता है पहले से, उसमें इतना ज़्यादा कचरा भर जाता है। तो इसके लिए एक स्पॉन्ग सिटी का जो बनानी चाहिए, स्पॉन्ग सिटी का मतलब जानते हो? नहीं जानते हैं? मतलब एक ऐसा शहर बनाना चाहिए जो अपना पानी कहीं बाहर ना जाने दे, अपने ही उसको स्टोर कर ले, वो पानी जब नदियों तक नहीं पहुंचेगा तालाब बनाए जाएं, उसमें पानी स्टोर कर ले, उसको रिसाइकिल कर लिया जाए। रिसाइकिल ऐसे कर लिया जाए जैसे सड़क बनते हैं तो बीच में जो पौधे लगाए जाते हैं उनमें यूज कर सकते हैं, गाड़ियां धोने में यूज कर सकते हैं, बाथरूम में वगैरह में इसमें सब यूज कर सकते हैं उसको, तो वो वेस्टेड पानी जो है अपने काम में आ जाएगा। तो ताकि नदियों में जब पानी रहेगा नहीं तो वर्षा का पानी वो फ्लो होता चला जाएगा, वो अपने आप में कमी रहेगी वहाँ पर। और दूसरी बात, ये जो वहाँ से जो नदियाँ काफ़ी ज़्यादा बहा कर ले जाते, तो इसके लिए उनका जो तलछटीकरण करा जाना चाहिए, उसके लिए एक जिस मशीन द्वारा किया जाता है जहाज़, गांव में देखा होगा शायद, जो उसके क्या बोलते हैं कंपाउंडर, धान वगैरह कटाई होती है
उसी के एक में स्टोर कर लिया जाए, वही जो तलछटीकरण करेगा उसको एक मतलब पूरे में भर लेगा। उसको भरने के बाद कहीं डंपिंग बना लिया जाए, डंपिंग सेंटर एक जगह है, उसको मतलब एकत्र किया जाए जो भी वहाँ पे मलबा मिट्टी निकले उसको, ताकि अब जब नीचे जगह होगी तभी तो पानी ज़्यादा आ पाएगा। लगभग 2.2 टन मिट्टी और मलबा आ जाता है हर नदी में बहा कर लाती है। अब समझ लो 2.2 टन मलबा का मतलब एक टीला बन जाएगा पूरा, ये होता है। तो वो जब सफाई हो जाएगी तो वहाँ पर वो गहराई रहेगी, तो गहराई रहेगी तो 2.2 टन जब खाली हो जाएगा तो वहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना पानी आ जाएगा सोच सकते हैं आप? तो इसीलिए उसकी सफाई होनी चाहिए। तो उससे जो मशीन से सफाई की जाएगी, डंपिंग सेंटर बनाए जाए तो वहाँ से जो मिट्टी निकल सकती है उसका हमें यूज कर सकते हैं, जैसे चिमनियाँ हो गई भट्टों में ईंट बनाने के लिए, उस मिट्टी का कंकड़ पत्थर निकले उसका भी यूज़ किया जा सकता है। तो इससे जो अब भट्टों में क्या होता है, जैसे उसको ईंट बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं अपने खेत से मिट्टी देते हैं, किसान लोग से वो खरीद लेते हैं, इससे अपनी उपजाऊ भूमि भी जाती है और इसके बाद मिट्टी भी जा रही, तो उस मिट्टी में यूज किया जाएगा तो उससे ईंट बनाओ तो अपना जो है खेत उपजाऊ बना रहेगा, किसान नहीं बेचेगा। तो ये काम चिमनी वाले लोग अगर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे उनका भी फायदा होगा और बाढ़ भी नहीं आएगी। तो इस हिसाब से दूसरा, और शहरों का तटबंध करके, क्योंकि आसाम पूरा डूब जाता है बट वहाँ एक ज़िला है जो वो बच जाता है, इतना नहीं बाढ़ में आता है क्योंकि उनका तटबंध किया जाता है। जहाँ से भी नदी निकलती है उसका तटबंध किया जाए, नॉर्मली नदी जहाँ से निकलती है उससे थोड़ी दूर पर बांध दिया जाए, वो भी किससे, पत्थर वगैरह से अच्छे से, ताकि वो पानी फ्लो ना हो पाए ऊपर। वहाँ के मिट्टी का कटान होता रहेगा तो वो बीच में भरती रहेगी, फिर वो इधर उधर पानी भागेगा, तो उससे भी रोका जा सकता है। तटबंध कर दिया जाए, दूसरा डैम बनाकर पानी को, मतलब ज़्यादातर बाढ़ किस में आती है, जुलाई अगस्त के महीने में ही आती है, तो जुलाई अगस्त के मतलब इतना डैम बनाया जाए इस हिसाब से कि वो 2 महीने तक पानी स्टोर कर पाए, ताकि उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया जा सके, इस हिसाब से डैम बनाए जाएं। जो आसाम में ज़िला है डिब्रूगढ़, वो बच जाता है इसी कारण क्योंकि वहाँ पर जो है तटबंध हुआ है, और बहुत से शहरों में ऐसा नहीं है इसीलिए वो डूब जाते हैं। जब ये बाढ़ आती है तो जाहिर सी बात है बाढ़ इसलिए आ जाती है क्योंकि इसका पानी का जो फ्लो होता है वो स्लो होता है, उसको जाने की इतनी जल्दी रास्ता नहीं मिलता है, वो धीरे धीरे चलता है, तो वो आसपास की जगह ढूंढता है कि कितनी जल्दी इधर घुस जाए, सामने ना जा पाए, तो इसलिए उसको रोकने के लिए डैम जो बनाए जाएंगे तो वो रुकेगा तो फ्लो में पानी चलेगा, जगह उसको मिलेगी नहीं, आगे कचरा लग गया पूरा जाम हो गया, वो भागेगा कहाँ, इधर उधर चलेगा, तो बाढ़ तो आएगी। शहरों में ज़्यादातर इसीलिए बाढ़ आ रही है, यही कारण है, क्योंकि अगर ये स्पॉन्ग सिटी का अगर निर्माण हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस आप प्रेजेंटेशन दो बेटा, ठीक है, तो एक सेक्शन नहीं, ठीक है, आपके सामने पूरी क्लास है पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी प्रेजेंटेशन के टाइम, ठीक है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, आप ऐसे झुक रहे हैं, ठीक है, बार बार नोट्स में देख रहे हैं, ठीक है, ये नेगेटिव मैसेज भेजती है, ठीक है। तो और जब आप प्रेजेंटेशन दो तो जो भी आपके लिसनर्स है, ठीक है, यू हैव टू मेंटेन दैट आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंड व्हेन यू आर मेकिंग दैट आई कॉन्टैक्ट इवन इफ दे आर योर फ्रेंड्स, ठीक है, ट्रीट देम एज अ स्ट्रेंजर टू यू, बेशक वो आपके परम मित्र हो, जब आप अपने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जब आप अपना किसी तरह का कमिटमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो पावर पॉइंट हो, ठीक है, चाहे वो
आपका इंटरव्यू हो, ठीक है, इन दैट सिनारियो द वन हु इज लिसनिंग टू यू, ठीक है, जो आपको सुन रहा है, ठीक है, उसे आप नहीं जानते, ठीक है, तो बेशक आपके दोस्त हैं यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, जब आप यहाँ पे आए मंच पे, ठीक है, अपना प्रेजेंटेशन दे, ठीक है, वो आपके दोस्त नहीं है, वो सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन सुनने आए हैं, ठीक है, और जब वो प्रेजेंटेशन सुनने आए हैं तो आपको उसी सिंसियरिटी के साथ अपना प्रेजेंटेशन देना है। अगर आप सिंसियर नहीं रहोगे यहाँ पर खड़े होकर, ठीक है, तो सुनने वाला भी सिंसियर नहीं रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, व्हाट मेक्स अ प्रेजेंटेशन अ गुड प्रेजेंटेशन, दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज में एक स्माइल होना ज़रूरी है, ठीक है, हंसी नहीं कह रहा हूँ, अ स्माइल, ठीक है, हल्की मुस्कुराहट, वो ज़रूरी है, ठीक है, हंसना नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट की गंभीरता को बना के रखना है, ठीक है, और साथ ही साथ जिस टॉपिक पे भी आप प्रिपेयर करके आए हैं, ठीक है, उसके लिए रिहर्सल कर लीजिए मन में, ठीक है, घर पे, उसके बाद प्रेजेंटेशन दिया करें कभी भी, ठीक है, या फिर यहाँ अभी बैठे हुए हैं तो अपने दिमाग में एक बार रिवाइज कर लीजिए आपको क्या क्या बोलना है, ठीक है। आई अग्री, सारी चीज़ें आपको याद नहीं रह सकती, फॉर दैट पूरा नोट ना लेकर आए, उसके कुछ की पॉइंट्स लेकर आए, बड़े बड़े शब्दों में लिखे हुए, ठीक है, ताकि उस की पॉइंट से आपको समझ में आ जाए कि अब मुझे आगे क्या लिखना है, क्या बोलना है, राइट, और उस की पॉइंट्स को एक सीक्वेंस में मेंशन कीजिए, ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो एक प्रॉपर फ्लो में आएगा, ठीक है, डन। अगला प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, टॉपिक सेम रखते हैं, फ्लड मैनेजमेंट अभी, ठीक है, तो फ्लड मैनेजमेंट में और कौन है जो अपना प्रेजेंटेशन देना चाहेगा, आ जाओ बेटा, आई कम टू यू एज वेल, रुक जाओ, मोहसिन को आने दो पहले, आ जाओ बेटा, ये मेरे होनहार बच्चे हैं ना, जो क्लास में ज़रा नहीं बोलते, पहले उन्हें तो बुलाया जाए, बोले सर, जैसे कि आप लोग हमको जानते ही होंगे, मैं आपका बैच का हूँ, ठीक है, गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे भाई एवं भाई के बहनों, ठीक है, तो जहाँ तक सर ने हमें एक आज्ञा दी है कि आप वो फ्लड के बारे में लिख के आना, तो मैंने वैसा लिख करके आया है, तो कन्नौज वाले हमारे भाई साहब जो थे उन्होंने ये हमें सिर्फ बताया है कि किस तरह से हम हमारे ओर में बाढ़ आती है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको हम मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, राइट, ठीक है, तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम इसको मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास में बाढ़ आती है, तो बाढ़ कोई भी एरिया में आ सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही एरिया में आया है, तो जिस तरह से अभी दिल्ली में बाढ़ आया था उसमें ये बात रखी गई थी कि ये जो गवर्नमेंट है वो फुल ये है, वो मतलब उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए था, ठीक है, तो आपके सामने मैं अपना प्रेजेंटेशन रख रहा हूँ कि बाढ़ को हम मैनेज कर सकते हैं दो तरीके से, इसके पास में दो तंत्र हैं, ठीक है, पहला है संरचनात्मक, दूसरा है गैर संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल, ठीक है, तो पहला में जो बात रखा गया है कि बाढ़ जो है वो बांध बनाना, ठीक है, तालाब बनाना, नहर का तैयार करना, ठीक है, बैराज बनाना, ठीक है, और ये सब चीज़ें एक ऐसी जगह पर बनाई जाएगी जहाँ पर कोई कृषि वगैरह ना हो, जहाँ पर शहर ना हो, जहाँ पर गांव ना हो, मतलब कोई चीज़ से हानि ना पहुँचे, उन सब जगहों पर ये चीज़ें बनाई जाती है, वहाँ पर बनाएं तो उस पानी को हम वहाँ पर जमा कर सकते हैं, ठीक है, तो उस पानी को हम यहाँ से जमा कर सकते हैं, जब उस पानी को हम जमा करेंगे तो जब बाढ़ की अवधि कम हो जाएगी, ठीक है, जब समझ पा रहे हैं ना आप लोग हमारी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है ना,
जब बाढ़ की अवधि कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस पानी को छोड़ देंगे। ठीक है, उस पानी को छोड़ने से हमारा फ़ायदा क्या होगा, जितने भी वन्य जीव लोग हैं उस पानी को वो पी सकेंगे। दूसरी थिंग ये है कि अगर पानी को हम स्टोर करके रखेंगे तो बिजली उत्पादन में हमारी काम आएगी। ठीक है, उसके बाद में और क्या होगा, बिजली उत्पादन है और सिंचाई में काम आएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये तो हमारा पहला हो गया स्ट्रक्चरल। दूसरा है नॉन स्ट्रक्चरल। इसमें क्या है कि जैसे कि पूर्वानुमान करना, मतलब पहले ही बाढ़ के बारे में लोगों को बताना कि बाढ़ आपके एरिया में आने वाले हैं। ठीक है, दूसरा है चेतावनियां देना। ठीक है, तीसरा है जोनिंग। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में पानी स्टोर करके रखना, जोनिंग एरिया। ठीक है, उसके बाद में एक और हमारे सामने आता है बाढ़ प्रबंधन के लिए, जो कि NDMP के नाम से जानते हैं हम उसको, NDMP, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, ये हमारे गवर्नमेंट के थ्रू आती है। ठीक है, तो हमारे गवर्नमेंट ये बताते हैं कि किस तरह से हम पानी को, मतलब बाढ़ से बच सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट हमारी है इसके लिए 5 मूल तंत्र देते हैं। ठीक है, जो पहला जो है वो है जोखिम का, जोखिम की समझ। ठीक है, मतलब कि ये जो बाढ़ आने वाली है ये हमें कितना नुकसान पहुंचाएगी, पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि अंतर एजेंसी समन्वय। अंतर एजेंसी समन्वय का मतलब होता है, अभी हमने आपके पास में बात रखा है जो कि अभी दिल्ली में हुआ था, पूरा का पूरा बर्डन किसके ऊपर आ रहा था, दिल्ली के ऊपर आ रहा था, यानी कि जो दिल्ली में गवर्नमेंट थी उसके ऊपर आ रही थी। तो अंतर एजेंसी जो समन्वय है ये कहता है कि किसी एक पर्टिकुलर पे हम ना थोपे, है ना, वहाँ पर क्या है कि सारे चीज़ों को हम बैलेंस करके चलेंगे तो ही हम बाढ़ से बच सकते हैं। ठीक है, तीसरा आता है DRR में निवेश, संरचनात्मक उपाय में निवेश, यानी कि जिससे हम बाढ़ बनाते हैं उसमें हम खर्च करें। ठीक है, तीसरा है गैर संरचनात्मक निवेश, यानी कि इसका मतलब हुआ है कि अगर हम किसी को अनुमान देंगे तो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो टेक्नोलॉजी में हमें क्या करनी पड़ेगी, निवेश करनी पड़ेगी, तो हम जा करके बाढ़ से बच सकेंगे। पांचवा आता है क्षमता विकास। क्षमता विकास ये होता है कि अगर बाढ़ में कोई प्रक्रिया आई है, ठीक है, बाढ़ से लोग बह रहा है, तो क्षमता विकास ये होता है कि उसके ऊपर समझाना कि कैसे हम उसको सेव कर सकते हैं, कैसे हम उसको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो क्षमता विकास का मतलब ये था, और यही हमारे पास में मेरी प्रेजेंटेशन थी जो मैं आपके सामने रखा है। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने कॉपी में नोट करें, नहीं अच्छा लगे तो एग्जैक्ट रेडी। थैंक यू। So good evening and everyone. My name is Nitesh Bhoye. I am going to present you about the pros and cons of artificial intelligence today. So my topic will be AI as a double-edged sword, मतलब दोधारी तलवार, जो हमारे नुकसान भी करा सकती है और हमें फ़ायदा भी पहुंचा सकती है। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं AI क्या है। तो AI ऐसा एक तंत्र है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट करने में या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस के बियॉन्ड जाने में। तो ऐसे अगर यूज़ करेंगे तो AI सबसे पहला फ़ायदा हमें देता है कि वो एक्यूरेट और
एरर को डिक्लाइन कर सकता है। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे डिस्कस कर। एक्यूरेसी और इफिशियंसी बढ़ाने में मदद करेगी, लेकिन ये सब टेक्निकल हो गया। लेकिन अगर हमारे दुनिया में सिर्फ टेक्निकल जॉब्स है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसे भी जॉब्स है जहाँ पे सिर्फ इंसान काम कर सकता है। जैसे हम काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग के बाद में हॉस्पिटैलिटी, कस्टमर सर्विस, तो यहाँ पे हम AI का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक ह्यूमन टच की ज़रूरत होती है। तो AI में वो लैक करता है, तो हम उसका एक नेगेटिव पॉइंट एज अ लैक ऑफ ह्यूमन टच भी लिख सकते हैं। बाद में लेकिन सभी जॉब ऐसे नहीं है कि जहाँ पे टेक्निकल है या फिर ह्यूमन टच है। ऐसे भी जॉब है जो इंसान करते हैं लेकिन टेक्निकल है। तो उससे क्या होगा, अगर AI उधर घुस गया तो वहाँ के जॉब मतलब वहाँ के जो इंसान है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। यहाँ उससे क्या होगा, जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, जैसे इंसान को डिस्प्लेस करेंगे AI, तो वो उसका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, जैसे जॉब डिस्प्लेसमेंट। अगर जॉब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ये हिस्ट्री में पहली बार नहीं होगा कि जॉब डिस्प्लेस हो रहे हैं। पहले भी कोई टेक्नोलॉजी आई है, पहले भी बहुत सारे जॉब गए, लेकिन उसी में नए जॉब्स भी क्रिएट हुए हैं। नई टेक्नोलॉजी से नए जॉब्स भी क्रिएट होते हैं। जैसे कार्टूनिस्ट थे पहले हाथ से ड्रॉ करते थे, लेकिन बाद में एनिमेटर्स आए, वो कंप्यूटर यूज़ करने गए, तो वहाँ से यहाँ ट्रांजिट हो गए। और बाद में स्टैटिस्टिशियंस थे, वो डाटा एनालिस्ट या डाटा साइंटिस्ट मिल गए, तो हमारे न्यू जॉब भी क्रिएट होते हैं उससे। तो वो हम पॉजिटिव में डाल सकते हैं। लेकिन हमारे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है AI के साथ वो है पॉलिसीज ना होना। मतलब आज इस घड़ी में किसी के देश के पास ऐसे परफेक्ट पॉलिसी नहीं है जो AI को रेगुलेट कर सके, तो वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है AI का। तो हम उसको नेगेटिव में लगेंगे। तो इसे भी सेम है, मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ का जो जॉब डिस्प्लेसमेंट और न्यू जॉब का जो लॉजिक था वही हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे पॉलिसीज अभी नहीं है लेकिन पॉलिसी डेवलप होगी, और वो बाद में जैसे पिछले टेक्नोलॉजीज थी, जैसे कार हो गई, तो कार जब नई नई आई थी तब ट्रैफिक रूल्स नहीं थे, बाद में कार ज़्यादा सेफ भी नहीं थी। जैसे अभी सीट बेल्ट है, एयरबैग्स है, ABS है, तो वैसे धीरे धीरे डेवलप होगा। तो हम वो पॉजिटिव में डाल सकते हैं कि हम ह्यूमन पॉलिसी मेकिंग में अच्छे हैं, ह्यूमन पॉलिसी मेकिंग्स। और बाद में AI का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो पर्सनलाइज हमारे, मतलब जो हमारे बिहेवियर है, हमारा जो पर्सनल चॉइसेस है, वो उसे स्टडी करके हमें वो रिकमेंडेशन दे सकता है। जैसे हम नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वही मूवीज़ हमें रेकमेंड करता है जो हम देखना चाहते हैं, जो हम देख के हमें पसंद आएगी। तो हम उसको पॉजिटिव में डाल सकते हैं कि वो पर्सनलाइज हमारे मदद कर सकता है पर्सनलाइजेशन में। लेकिन इसका और एक नेगेटिव पॉइंट है पर्सनलाइजेशन का, क्योंकि पर्सनलाइजेशन के लिए एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एक इंडिविजुअल की, जो कि बहुत पर्सनल हो सकती है। मतलब इंडिविजुअल की पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो अगर AI के पास पहुंच गई तो कुछ नहीं, लेकिन AI से अगर वो किसी ने एक्सेस कर ली तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो हम वो भी कंसिडर्स में रहना चाहिए कि
सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉलिसी में, तो वो उसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। और जैसे हम एलन मस्क को सब जानते होंगे, तो एलन मस्क ने 2018 में एक स्टेटमेंट दिया था। उसने बोला था कि एंड मार्क माय वर्ड्स, एआई इज मोर डेंजरस देन न्यूक्स। न्यूक्स मतलब न्यूक्लियर वेपन्स। तो 2018 में उसका जो अप्रोच था एआई के द्वारा तरफ, वो था कि वो बहुत डेंजरस है। लेकिन 2023 में उसने खुद ने एक एआई स्टार्टअप लॉन्च किया है एक्स एआई के नाम से। तो हम देख सकते हैं कि हम कितना आगे आ चुके हैं एआई के डेवलपमेंट में। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आगे को मतलब हम बहुत ही सेफ एआई के पास है। आगे भी बहुत बहुत लंबा रास्ता है। भले ही हमने थोड़ा कवर कर लिया है, लेकिन आगे भी बहुत लंबा रास्ता है। तो मैं यही कंक्लूजन करना चाहूँगा कि हर नई टेक्नोलॉजी के साथ नए प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन ह्यूमंस ऐसा क्रिएचर है जो हर प्रॉब्लम्स को फेस करते करते अपने एक्सटिंक्शन को बचाते हुए आगे बढ़ाए। और हर बार उसने प्रूव किया है कि टेक्नोलॉजी भले ही कैसी हो, उसने उस पे रेगुलेशंस लाए, लॉज लाए और सबको सेफ रखने की कोशिश की है। थैंक यू।